हेलो एवरीवन, मैं आपका रीत आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एनएल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरस्टेलर एड्स को नेविगेशन रॉर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करना काफी इजी होता है, जो मैं वीडियो के कंटेंट में आपको बताऊंगा, मीन जो वीडियो में बताऊंगा आपको विदाउट स्किप किए अच्छे से देखना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप इजिली नेविगेशन रॉर में इंटरस्टेल एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन ड्रावर में इंटरस्टेल एड्स को शो कराने के लिए सबसे पहले आपको नेविगेशन ड्रावर के प्रोजेक्ट में आना होगा एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल में जो आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट के नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकेंड में, उसको ओपन करना होगा एंड यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी ऐड करने होंगे। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना होगा। तो मैं अपना नेट ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं अपने ब्राउजर में चला जाता हूँ एंड ब्राउजर में आपको सर्च करना होगा इंटरस्टेलर ऐड। तो मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ अपने सर्च बार में इंटरस्टेलर ऐड को। जैसे हम इंटरस्टेलर ऐड सर्च कर देते हैं तो आपके सामने कुछ URLs ओपन हो जाएंगे, जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है इंटरस्टेलर एड्स एंड्रॉइड गूगल डेवलपर, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इसमें क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने गूगल एडमप का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले गाइड्स में आना होगा एंड जो नीचे दिखाई दे रहा है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इसमें क्लिक कर देते तो गेट स्टार्टेड का पेज ओपन हो जाएगा, हमें इसे स्क्रॉल करना होगा। तो मैं इस डिपेंडेंसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके डिपेंडेंसी में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हमें उस ब्राउजर में जाना होगा एंड इसे नीचे स्क्रॉल करना होगा एंड जो आपको यहाँ पे मेटा डेटा विजिबल हो रहा है इसको हमें कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा। तो मैं मेटा डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके जो आपको मैनिफेस्ट दिखाई दे रहा है हमें इसे ओपन करना होगा एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो एक्टिविटी दिखाई दे रहा है इसके नीचे हमें जो हमने मेटा डेटा को कॉपी किए थे इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा एंड जो यहाँ पे ऐप आईडी दिखाई दे रही है XXYY, हमें यहाँ पे सैंपल ऐप आईडी पेस्ट करना होगा। तो अगेन हम ब्राउजर में चले जाते हैं एंड सैंपल एडमो ऐप आईडी को कॉपी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से ऐप आईडी को कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी आपको पैकेज नेम के नीचे यहाँ पे कुछ परमिशन एंटर करनी होगी, यूजेस परमिशन एक्सेस नेटवर्क स्टेट, सेकंड में यूजेस परमिशन इंटरनेट, अगेन यूजेस परमिशन एक्सेस वाईफाई स्टेट। अभी हम सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं एंड जो भी हमारे बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को ओपन किए थे इसको हम क्लोज कर देते हैं। थोड़ी देर में हमारा ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, तब तक हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं। जैसे हम मेन एक्टिविटी को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा कोड ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी ब्राउजर में चला जाता हूँ एंड इंटरस्टेलर ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इंटरस्टेलर पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने इंटरस्टेलर एड्स का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड इस वेरिएबल को कॉपी कर देता हूँ। मैं कंट्रोल सी से इस वेरिएबल को कॉपी कर देता हूँ एंड ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम ब्राउजर में चले जाते हैं एंड जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल एड्स डॉट इनिशियलाइज, यहाँ पे इसको कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम ब्राउजर में जाते हैं एंड इसको भी हम स्क्रॉल कर देते हैं एंड जो आपको एम इंटरस्टेलर ऐड दिखाई दे रहा है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। अगेन प्रोजेक्ट में जाते हैं एंड इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। मैं अभी जो भी आपको एरर शो हो रहे हैं इसको अभी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ।
तो अल्ट एंटर प्रेस करना है आपको सब पे। जैसे आप अल्ट एंटर प्रेस करोगे आपको इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एंटर करना है इस पे। बट आपको ध्यान में रखना है जो भी आपको एरर शो हो रहा है आपको सब पे अल्ट एंटर एंड इंपोर्ट क्लास करते जाना, आपके एरर खुद ब खुद रिजोल्व हो जाएंगे। तो मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो हमारे जो भी एरर थे वो कंप्लीटली रिजोल्व हो चुके हैं। अगेन हमें ब्राउजर में जाना है एंड जो इफ एंड एल्स दिखाई दे रहा है अभी हमें इसे कॉपी करना है। तो मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड आपको जहाँ भी इंडस्ट्रियल ऐड को शो कराना है वहाँ पे इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया एंड सपोज मुझे जैसे हम मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे हमारा इंडस्ट्रियल एड्स लोड होना चाहिए, इसलिए मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं सेम अल्ट एंटर कर देता हूँ एंड इंपोर्ट क्लास। जब हम रेट ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा इंडस्ट्रियल एड शो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी कोड पेस्ट कर देता हूँ। एंड शेयर पे भी जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा इंडस्ट्रियल एड लोड होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। जब भी हम मोर एंड रेट एंड शेयर ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंडस्ट्रियल एड लोड होने लग जाएगा। तो अभी हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करके बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मोबाइल डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश एंड अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो अभी हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो चुका है एंड मोबाइल डिवाइस में कम्प्लीटली ऐप लॉन्च हो चुका है। अभी हम यहाँ इस नेविगेशन ड्रॉअर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेविगेशन ड्रॉअर पे क्लिक कर देते हैं जहाँ जहाँ हमने इंडस्ट्रियल ऐड को शो किए थे वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने मोर ऐप्स में इंडस्ट्रियल एड्स को शो किए थे तो इसलिए मैं मोर पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसे हम मोर ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडस्ट्रियल ऐड शो होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप नेविगेशन ड्रावर में इंडस्ट्रियल ऐड को शो कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि इंडस्ट्रियल एड्स को नेविगेशन ड्रॉअर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।